इंसिडेंट लाइट इट मींस कि हमने किसी भी मीडियम पे
लैंग्वेज फ्लो में क्या था कि रेन मोनोक्रोमेटिक लाइट
डियर हुआ, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, मेंबर्स एंड डियर्स लो से हमें एक कॉमन इक्वेशन मिल रहा है, ए इज इक्वल टू ए बी सी। देन हमें दो इक्वेशन मिले थे, उसमें फर्स्ट हमने एब्जॉर्प्टिविटी, तो एब्जॉर्प्टिविटी का सिंबल क्या था, स्मॉल ए इज इक्वल टू एब्जॉर्बर्स अपन बी इंटू सी। तो यहाँ पे ए स्मॉल ए क्या है, एब्जॉर्प्टिविटी। ए क्या है, एब्जॉर्बर्स। बी इज इक्वल टू जी सैंपल में से हमने इंसिडेंट करवाया है उसका पार्ट में, एंड सी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन। यहाँ पे जो पार्ट में है वो किसमें है, सेंटीमीटर में, एंड जो कंसंट्रेशन है एब्जॉर्प्टिविटी उसका क्या है, ग्राम पर लीटर। अब हमें नेक्स्ट कंसीडर डिस्कस करते हैं मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। तो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी को हम कैसे सिंबल क्या है उसका, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज इक्वल टू ए अपन बी इनटू सी। यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। ए क्या है, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। स्मॉल कैपिटल ए इज इक्वल टू एब्जॉर्बेंस, बी इज इक्वल टू पाथ लेंथ, एंड सी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन। अब जो कंसंट्रेशन है वो किसमें है, मोल इनटू मोल पर लीटर। तो यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस क्या है, कंसंट्रेशन में। तो एब्जॉर्प्टिविटी का कंसंट्रेशन क्या होगा, ग्राम पर लीटर, एंड मोलर एब्जॉर्प्टिविटी का कंसंट्रेशन क्या होगा, मोल पर लीटर। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट डेविएशन फ्रॉम बियर्स लॉ। डेविएशन मींस डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या किया है, जो बियर्स लॉ है, जब बियर्स लॉ ओबे होगा तब क्या होगा कि हम जब प्लॉट करते हैं एब्जॉर्बेंस वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ, तो बियर्स लॉ में क्या मिलेगा, जो ग्राफ मिलेगा स्ट्रेट, वो कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन में से। तो जब ओरिजिन में से हमें जो स्ट्रेट लाइन मिलेगी तब क्या हो रहा है, बियर्स लॉ ओबे हो रहा है। जब इफ लाइन नॉट पास थ्रू द ओरिजिन, जब लाइन ओरिजिन में से पास नहीं होगा तब हम क्या कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे दो डेविएशन हो रहा है इन बियर्स लो। तो डेविएशन क्या होगा, क्या तो पॉजिटिव डेविएशन होगा एंड क्या तो नेगेटिव डेविएशन होगा। एंड डेविएशन किस वजह से हो रहा है, डेविएशन क्या होगा, इंस्ट्रूमेंटल होगा या केमिकल होगा। तो केमिकल की वजह से या इंस्ट्रूमेंट की वजह से हमें डिफरेंट ग्राफ मिलेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। तो डेविएशन फ्रॉम बियर्स लॉ में क्या हमें याद रखना है कि जब हमें जो स्ट्रेट लाइन मिल रही है वो ओरिजिन में से पास होगी, जब हम प्लॉट करेंगे ग्राफ एब्जॉर्बेंस वर्सेस कंसंट्रेशन का, तो हमें स्ट्रेट लाइन ओरिजिन में से मिल रही है, इट मींस कि बियर्स लॉ ओबे हो रहा है। देन जब ओरिजिन में से लाइन पास नहीं होगी तब हमें क्या कंसीडर करना है कि यहाँ पे डेविएशन हो रहा है। डेविएशन कितने टाइप के हैं, टू टाइप्स ऑफ डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। इन फिगर यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जब यहाँ से लाइन ऐसे ऊपर मिलेगी तो इसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। जब ओरिजिन में से हमें लाइन मिल रही है स्ट्रेट, इसे हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे बियर्स लॉ ओबे हो रहा है। एंड जो
पॉजिटिव डेविएशन है। सेकंड में क्या है, बियर स्लो ओबे हो रहा है क्योंकि लाइन कहां से पास हो रही है, ओरिजिन में से। एंड थर्ड वन क्या है, नेगेटिव डेविएशन, ग्राफ कहां पे नीचे मिल रहा है इसलिए उसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव डेविएशन। तो यहां पे जो टू टाइप्स ऑफ डेविएशन हो रहे हैं, देयर आर टू रीजंस फॉर द डेविएशन। फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन, इट मींस कि जब कोई इंस्ट्रूमेंट में कोई डिफेक्ट होगा उसकी वजह से हमें डेविएशन मिल रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन। एंड सेकंड क्या है, केमिकल डेविएशन। केमिकल डेविएशन में क्या है, जब केमिकल चेंज होगा एंड हमें डेविएशन मिल रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल डेविएशन। तो डेविएशन का कितना रीजन है, टू रीजन। फर्स्ट वन इंस्ट्रूमेंटल रीजन, तो इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन इट मींस कि इंस्ट्रूमेंट में कोई डिफेक्ट होगा इसे हम इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन बोलेंगे, एंड कोई भी केमिकल चेंज होगा एंड हमें डेविएशन मिलेगा इसे हम बोलते हैं केमिकल डेविएशन। अब हम इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन एंड केमिकल डेविएशन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो डेविएशन है उसका टू रीजन है, इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन एंड केमिकल डेविएशन। इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन मींस कि इंस्ट्रूमेंट में कोई डिफेक्ट होगा इसकी वजह से हमें डेविएशन मिलेगा, इसको हम इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन बोलेंगे। तो इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन में जो डिफेक्ट होगा उसके रीजन क्या हो सकते हैं, तो उसमें जो फर्स्ट रीजन है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट इज नॉट यूज प्रॉपरली। तो जो हम सैंपल में मोनोक्रोमेटिक लाइट पास करते हैं वो प्रॉपर नहीं होगी तो भी इंस्ट्रूमेंट में डिफेक्ट हो सकता है। सेकंड रीजन क्या है, इफ देयर इज अ चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट फ्रीक्वेंसी। जो हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं वो चेंज होता होगा फ्रीक्वेंसी, इसकी वजह से भी इंस्ट्रूमेंट में डिफेक्ट हो सकता है। देन थर्ड वन, इफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस, लाइट का स्कैटरिंग हो रहा है इसकी वजह से भी इंस्ट्रूमेंट में हमें डेविएशन मिलेगा। एंड फोर्थ वन, इफ वेवलेंथ इज नॉट फंक्शन प्रॉपरली। जो हम लाइट पास कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी इसकी वजह से भी हमें क्या मिलेगा, इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन के फोर रीजन हो सकते हैं, फर्स्ट क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट हमें प्रॉपरली, जो मोनोक्रोमेटिक लाइट पास करनी है वो पास नहीं करेंगे प्रॉपरली इसकी वजह से मिलेगा। सेकंड क्या है, इलेक्ट्रिक करंट चेंज होता होगा। थर्ड वन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एंड फोर्थ, जो वेवलेंथ हमने यूज की है वो फंक्शन प्रॉपरली नहीं होगा इसकी वजह से। देन सेकंड जो डेविएशन था इसकी वजह से था केमिकल डेविएशन, इसकी कोई भी केमिकल चेंज होता होगा इसकी वजह से हमें केमिकल डेविएशन मिलेगा। तो उसका जो फर्स्ट रीजन है एसोसिएशन डिसोसिएशन, तो हमने जो कोई सैंपल लिया होगा उसमें हमने एसोसिएटिव मैकेनिज्म या तो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म होगी, मींस कि एसोसिएट होगा या डिसोसिएट होगा, तो इसकी वजह से भी हमें डेविएशन मिल सकता है। सेकंड क्या है, जो हमने सैंपल लिया है उसमें एसिड बेस रिएक्शन होगा इसकी वजह से हमें डेविएशन मिलेगा। थर्ड क्या है, कॉम्प्लेक्सेशन, इट मींस कि जो हमने कोई भी केमिकल लिया है उसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता होगा इसकी वजह से डेविएशन मिल रहा है, इसको हम कॉम्प्लेक्सेशन बोलेंगे। एंड फोर्थ वन, पॉलीमराइजेशन, इट मींस कि फोर जो रीजन है, फर्स्ट है एसोसिएटिव डिसोसिएटिव, देन सेकंड एसिड बेस, थर्ड वन कॉम्प्लेक्सेशन एंड फोर्थ पॉलीमराइजेशन। इस फोर रीजन की वजह से हमें क्या मिल रहा है, केमिकल डेविएशन। तो हमें क्या याद रखना है कि इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन किसकी वजह से हो रहा है, कि इंस्ट्रूमेंट में कोई भी डिफेक्ट होगा इसकी वजह से हमें इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन हो रहा है। एंड केमिकल डेविएशन इट मींस कि कोई भी केमिकल चेंज होगा, जो हमें केमिकल यूज किया है एज अ सैंपल इसमें कोई भी एसोसिएशन डिसोसिएशन होगा, एसिड बेस रिएक्शन हो सकता है, कॉम्प्लेक्सेशन हो सकता है, क्या तो पॉलीमराइजेशन हो सकता है, इसकी वजह से हमें कोई डेविएशन मिलेगा इसको हम बोलेंगे केमिकल डेविएशन। तो यहाँ पे जो हमने बियर स्लो डिस्कस किया उसके कुछ लिमिटेशन है, तो हमने देखा कि डेविएशन दो रीजन की वजह से हो रहा था, इंस्ट्रूमेंटल एंड केमिकल। इंस्ट्रूमेंटल इट मींस कि इंस्ट्रूमेंट में कोई डिफेक्ट होगी उसकी वजह से हमें डेविएशन मिलेगा इसको हम
फर्स्ट डाइल्यूट, देन सेकंड क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जब सॉल्यूशन में कोई भी सस्पेंडेड पार्टिकल होगा तो क्या होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एंड इसकी वजह से हमें क्या मिल सकता है, डेविएशन। तो सेकंड में क्या है, जो हम सॉल्यूशन देंगे वो ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर होना चाहिए। जब ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर नहीं होगा, उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल प्रेजेंट हो गए, तो क्या होगा, जब हम लाइट पास करेंगे तो उसका स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा, इसकी वजह से हमें डेविएशन मिलेगा। थर्ड रीजन क्या है, जो बियर स्लो है वो किसके वैलिड है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, वैलिड फॉर अ मोनोक्रोमेटिक लाइट। जब मोनोक्रोमेटिक लाइट हम यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, डेविएशन होगा। फोर्थ, एब्जॉर्प्शन है इज ड्यू टू द सॉल्यूट मॉलिक्यूल, बट इफ सॉल्वेंट आल्सो एब्जॉर्ब लाइट देन देयर विल बी द डेविएशन। तो हमने जो सॉल्यूशन लिया है उसमें जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे वो ही एब्जॉर्ब हो सकता है, एब्जॉर्प्शन करेगा, बट जब सॉल्वेंट भी एब्जॉर्ब करेगा लाइट तो क्या हो सकता है, डेविएशन। फिफ्थ वन, इन केस ऑफ फोटोकेमिकल चेंज देयर विल बी द डेविएशन। तो जब कोई भी फोटोकेमिकल चेंज होगा तो भी क्या हो सकता है, डेविएशन हो सकता है। कोई भी हम जब ग्राइंड पास कर रहे हैं सैंपल में, जब हम टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करेंगे सैंपल का, तो भी क्या हो सकता है, डेविएशन हो सकता है। इसलिए यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है, जब पीएच चेंज होगी तो भी डेविएशन हो सकता है। एंड सैंपल में जब एसोसिएशन या तो डिसोसिएशन या तो पॉलीमराइजेशन होगा तो भी डेविएशन हो सकता है। जो 6, 7 and 8 लिमिटेशन है वो क्या है, केमिकल चेंज की वजह से हमें डेविएशन मिलेगा। तो यहाँ पे हमें जो बियर स्लो में फर्स्ट क्या याद रखना है कि जो फर्स्ट हमने जो सैंपल लिया वो क्या होना चाहिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन, एंड जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन 0.1 मोलर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 0.1 मोलर से ज्यादा कंसंट्रेशन होगा तो क्या हो सकता है, डेविएशन। डेविएशन कितने टाइप के हैं, जो बियर स्लो में हमें ओरिजिन में से स्ट्रेट लाइन मिलेगी इसे हम क्या बोलते हैं कि बियर स्लो ओबे हो रहा है। जब ओरिजिन में से हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी इट मींस कि हमें टू टाइप्स ऑफ डेविएशन मिलेगा, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन जो लाइन है उसके ऊपर मिलेगा एंड नेगेटिव डेविएशन नीचे मिलेगा। अब जो डेविएशन है उसका दो रीजन है, एक केमिकल चेंज एंड एक इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन। तो यहाँ पे जो फर्स्ट डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए, सेकंड जो हमें सैंपल सॉल्यूशन लिया है वो ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट होगा सस्पेंडेड पार्टिकल तो क्या होगा, जब हम उसमें लाइट पास करेंगे तो लाइट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा, इसकी वजह से हमें डेविएशन मिलेगा। थर्ड क्या है, जब हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज नहीं करेंगे तब भी डेविएशन हो सकता है, इसलिए हमें बियर स्लो में क्या चाहिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट ही पास करनी है। फोर्थ वन, जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो सॉल्यूट मॉलिक्यूल कर सकता है, बट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल भी एब्जॉर्ब करेंगे लाइट तो भी क्या हो सकता है, डेविएशन हो सकता है। फोटोकेमिकल चेंज होगा, जब टेम्परेचर हम मेंटेन नहीं करेंगे पीएच चेंज होगा तब भी क्या हो सकता है, डेविएशन होगा। एंड इफ केमिकल चेंज इट मींस कि एसोसिएशन डिसोसिएशन पॉलीमराइजेशन होगा तब भी क्या हो सकता है, डेविएशन हो सकता है।